हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर 2018 है और आज ही के दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है, जन्म दिवस है। उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा इसको सुशासन दिवस एंड गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हो गया एक साथ चुनाव। एक साथ चुनाव का मतलब हो गया लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। इसमें हम लोग तीन चार हम लोग पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद में इसके आर्गुमेंट्स जो है इसके फेवर में हम लोग आर्गुमेंट की बात करेंगे किस हद तक सही है, कुछ इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और फिर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी फिर हम लोग कहें तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इन तीन चीजों पर तीन चार चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और ये पेपर वन में करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर टू में जो इंडियन पॉलिटी है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में चलिए बात करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हो गया एक साथ चुनाव, और एक साथ चुनाव का मतलब हो गया लोकसभा विधानसभा का चुनाव। और लॉ कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि साइमल्टेनियस चुनाव किया जाए 2019 में। और साइमल्टेनियस चुनाव जो है एवरी यानी वंस इन फाइव ईयर, मतलब हर 5 साल में एक बार चुनाव किया जाए जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो। इसके पहले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से, यानी जब पहला चुनाव हुआ था उसके बाद से 1967 तक साइमल्टेनियस ही होता था, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ होता था। लेकिन 1967 के बाद में क्या हुआ कि 1968-69 में बहुत राज्यों में सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो वहां पर फिर से चुनाव करने की नौबत आई। इस वजह से जो लिंकेज था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराया जाए, ये लिंकेज टूट गया। उसके बाद से फिर ये रैंडम चलने लगा, जहां जहां पर सरकार गिरती है स्टेट का वहां वहां पर फिर चुनाव कराया जाता है। मतलब उसके बाद में जो अभी का जो दौर है, अभी का जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, इस प्रकार चलना शुरू हो गया। लॉ कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इस चीज पर जोर दी है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन साथ में कराया जाए। तो हम लोग इसके अब आर्गुमेंट्स इन फेवर और आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट में हम लोग बात करते हैं। तो आर्गुमेंट्स इन फेवर में सबसे पहले हम लोग बात करें, पहला चीज है वन नेशन वन इलेक्शन का एक कंसेप्ट आएगा। मतलब एक देश में एक ही चुनाव होगा, एक ही वक्त होगा जब चुनाव का दौर आएगा, उसके बाद में पूरा जो 5 साल है देश इलेक्शन से मुक्त रहेगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट देखें कि मनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मनी जो इलेक्शन चुनाव प्रचार के दौरान जो बहुत सारे पैसे खर्च होता है, बहुत सारे जो प्रशासनिक जो डिस्टर्बेंसेज होता है वो कम होगा। प्रशासनिक डिस्टर्बेंसेज के कारण बहुत सारे खर्च बढ़ जाती है तो उसको बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इसको कट किया जा सकता है। तो पहला देखें तो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा है कि जो मनी जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसिज होता है पैसे का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होता है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखें कि जो रूलिंग पार्टीज है, रूलिंग पार्टी जो जिसका अभी सरकार है केंद्र में, वो सरकार जो है अब राज्यों में बार बार जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेगी। अभी के समय क्या होता है कि मान लीजिए किसी का केंद्र में सरकार है तो या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, तो साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। अभी चुनाव होने की वजह से ठीक से काम नहीं हो पाता है और यहाँ की गवर्नमेंट वहां जाकर प्रचार करती, वहां का गवर्नमेंट वहां, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो इस चीज को दूर किया जा सकता है कि एक बार चुनाव हो उसके बाद में साल भर जो है यानी 5 साल जो है अपने राज्य अपने देश की तरक्की के लिए काम करे। फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है वो कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए एक ही बार लगाया जाएगा। अभी क्या होता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए बहुत सारे गवर्नमेंट जो है नए स्कीम्स नए प्रोग्राम्स वगैरह नहीं लॉन्च कर पाते हैं या बहुत सारे इस पर प्रतिबंध लग जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो समय है वो काफी ज्यादा अभी के समय चलता है क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। इसमें इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें लगाए जाते हैं, शिक्षक बहुत सारे शिक्षक को इसमें तैनात किया जाता है ड्यूटी पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि शिक्षा प्रणाली का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो शिक्षण संस्थाओं को भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यानी हैम्पर्ड होता है एजुकेशन। पॉलिसी पैरालिसिस होता है, बहुत ज्यादा जो है नीति पे कार्यान्वयन नहीं ठीक से किया जाता है, जो नीति है वहीं पर रुक जाता है। पॉलिसी जो कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस
इंग्लिश टर्म अगर देखें तो उसको कहा जाता है। बहुत सारे जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी जो चुनाव होता है, अगर राज्यों में हमेशा चुनाव होते रहता है तो ब्लैक मनी जो है सर्कुलेशन उसका ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत गलत सोर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे का दुरुपयोग होता है। तो ये प्रक्रिया को रोका जा सकता है अगर साथ में इलेक्शन होता है। तो कुछ अगर आर्गूमेंट देखें इसके अगेंस्ट में देखें, तो सबसे पहला इसका आर्गूमेंट हम लोग देखें कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार चुनाव कंडक्ट कराने के बाद में पूरा 5 साल वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग रेस्ट करेगा, यानी कहा जाए तो चुनाव आयोग जो है बहुत हद तक इनएक्टिव हो जाएगा। कि जो भी नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो जो नेशनल इश्यूज है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, रीजनल जो इश्यूज है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उस पर किसी कोई इस पर बात नहीं करेगा। जो भी होगा सेंट्रल इशू को उठाएगा और उसी पर चुनाव लड़ेगा। तो इस वजह से जो क्षेत्रीय भेदभाव, क्षेत्रीय विकास कहीं ना कहीं बहुत हद तक नुकसान होगा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें जो अगेंस्ट में है वो है कि पूरा जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में जो इंडिया है पूरी तरह से यूनिटरी फीचर्स को लगने रहेगा, मतलब पूरी तरह से जो है सेंट्रल कमांड करेगा, यूनिटरी फीचर पूरी तरह से हो जाएगा। अभी जो है हमारा फेडरल जो कंसेप्ट है, फेडरल कंसेप्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसी न किसी एक पार्टी का उस समय वर्चस्व जो है काफी ज्यादा होगा। और जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का वजूद बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ी पार्टी होगी, सब एक साथ चुनाव हो रहा है, तो बहुत बड़ी पार्टी से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, क्योंकि सेंटर में मुझे चुनाव करना है, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो लेजिस्लेचर पे भी दिखेगा, यानी विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा। और इसका असर क्या होगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी क्षेत्रीय मुद्दा को उठाते हैं वो कम हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय पार्टीज का महत्व घट जाएगा और जो लोकल इश्यूज है उसको कम रेज किया जाएगा, यानी कहीं कहीं लोकल हित जो है वो हैम्पर्ड होगा, वो उसको नुकसान। जो हमारा देश है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, तो हमारा देश का जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस पर भी नुकसान, उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं, और इस वजह से पूरा देश एक तरह से बंद को होता है, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज है, और उसके बावजूद भी पूरा देश जो है बंधा रहता है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को भी बहुत हद तक नुकसान होगा ऐसा माना जाता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि अगर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ होता है तो बड़ी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी, जो कि लोकसभा में भी उसका काफी ज्यादा होगा महत्व और विधानसभा में भी उसका काफी ज्यादा रोल होगा। तो वैसे पार्टी जो होगी पूरी तरह से डोमिनेटिंग नेचर का होगा, मतलब पूरी तरह से उस पार्टी का मनमाना चलेगा। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर चूंकि मान लीजिए कि अभी सेंटर में मान लीजिए किसी पार्टी का सरकार है, बहुत सारे स्टेट में है जो कि चुनाव होते हैं, तो वहां पे उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी उसकी हार होती है। जैसे कि अभी जो जल्दी के चुनाव में आप देखे होंगे कि जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में कई राज्यों में इसका नुकसान हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब जो पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काम करने की कोशिश करेगी, उसको लगेगा कि राज्य के लोग जो है मुझे नकार रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के जो काम को, जो और भी राज्यों में काम है उसको मतलब किया जा सकता है, मतलब एक तरह से कहा जाए डोमिनेटिंग जो नेचर है किसी एक पार्टी का उसको एक्टिव नहीं होने देगा, मतलब उस पार्टी को हमेशा ध्यान रखना होगा, हमेशा काम करते रहना होगा। अगर एक जगह एक राज्य में काम नहीं करेंगे तो उसका असर दूसरे राज्य पे ही पड़ेगा, अगर केंद्र में काम नहीं करेंगे तो उसका राज्य पे पड़ेगा। तो इस तरह से जो जो भी पोलिटिकल पार्टीज है वो अपने काम को काफी ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहेगा कि ये पार्टी को नुकसान हो सकता है किसी भी चुनावी प्रक्रिया अगर कहीं भी होती है विधानसभा का। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है, इसके लिए अगर कुछ चुनाव प्रक्रिया लागू करना है, तो सबसे पहले कोई एक थिंक टैंक बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जानकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाए, और इसके सारे चीजों पे, प्रोविजंस पे बात किया जाए, इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पे बात किया जाए। ये कोई छोटा इशू नहीं है कि आप कल अनाउंस कर दिए और परसों से लागू हो गया, इसके लिए थिंक टैंक की जरूरत है। जो भी विद्वान लोग हैं, जो भी संविधान के जानकार हैं, जो भी इस देश को समझते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो अगर इस बात पे सहमति बनाए, एक थिंक टैंक बनाए, और वहां पे अगर उन लोग कुछ ऐसा बात बोले तो उसके अनुसार ही किया जाना चाहिए। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जो है, जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, जो फंडिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, गलत पैसे का इस्तेमाल होता है, उसको अगर चेक किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का होता है उसको अगर रोका जाए, तो बहुत हद तक साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बहुत हद तक संभाला जा सकता है सिचुएशन को। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि नए नए जो और भी मौके हैं, नए नए और भी अवसर हैं चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव को नया कुछ करने का, उसको नया नया तरीका को ढूंढना जरूरी है,
क्योंकि बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव जरूरत पड़ती है। तो वे फॉरवर्ड में आप 2-3 पॉइंट लिख देंगे, अगेंस्ट में आप 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देंगे, और जो फेवर में उसके लिए आप 3-4 पॉइंट बताएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन आपकी नजर में क्या है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कुछ आप अच्छाई को भी गिनाएंगे कि मेरी नजर में कुछ अच्छा भी है लेकिन कुछ इसमें कमियां भी है। अगर उस कमियों को दूर कर लिया जाए, फिर अगर आप जब इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि अगर इन सारी कमियों को दूर किया जाए तो लागू किया जा सकता है। और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि थिंक टैंक बनाया जाए, इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप बनाया जाए, प्रेजेंट सिस्टम है उसको ज्यादा इंप्रूव किया जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाए, जो फंडिंग है पोलिटिकल फंडिंग उस पर ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और भी कोई नए नए रास्ते हैं उसको ढूंढा जाए, तो जरूर इस पर कोशिश विचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Yeah.